स्टूडेंट्स क्लास 9 में वर्ड एंड एक्सप्रेशंस बुक से आपको अध्ययन कराया जा रहा है यूनिट 8 का। आज हम पढ़ेंगे, ये तो आपको ज्ञात है, चेक बिहेवियर मूवमेंट्स, फिर ये यूनिट 8 ठीक है। आप वर्कबुक की पेज नंबर 111 निकालिए और उसमें क्वेश्चंस हैं उसको देखिए। डू यू हैव अ पैशन टू द समथिंग अदर देन योर स्टडीज लाइक दिस टू आइकॉन्स हैव बी इट म्यूजिक डांस थिएटर ट्रेकिंग वॉटर स्पोर्ट्स पेंटिंग फुटबॉल क्रिकेट एक्सेट्रा डू यू फाइंड एनी डिफिकल्टी इन परस्यूइंग योर पैशन हु गिव्स यू सपोर्ट एंड encouragement or to go ahead with your passion. Answer number 1 का है, yes, I have a passion. ये मेरा शौक। Second, yes, there are many difficulties because I live in a village which do not have a thrill or adventure available to who live near sea to big river. Third, my parents give me encourage and allow me to go water sports whenever such opportunity comes from the organizations associated with water sports क्योंकि वो ये खेल जो है पसंद करते हैं। Suggest a word for each sentences press correctly refer to chapter reach for the top part 1 given your textbook behind to the paragraph numbers where these words are used are given in brackets A A state of happiness and satisfaction. The answer is contentment. B. An action or way of behaving that is usual in tradition. The B answer is C. Custom. Then C. A word or statements that express agreement or confirmation. Affirmative. Next, the ability to withstand hardship or adversity resistance. E. Final stage or something you have been working towards. Love missions. ये आपके पैराग्राफ के जो बहुत सारे कलर सेंटेंस थे उस लेसन के वो उसका आंसर है, तो आप इसको अच्छे से रीड करेंगे और स्पेलिंग लिखेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स को खालिस्तान भरना है यूजिंग द वर्ड गिवन इन द बुक। दीज वर्ड्स आर टेकन फ्रॉम द चैप्टर। आपको ये रीच ऑन फॉर द टॉप चैप्टर से दिया गया है ऑफ योर टेक्स्ट बुक बिहाइंड से। यू कैन रिफर टू अ डिक्शनरी टू फाइंड आउट द मीनिंग। आप डिक्शनरी का यूज करके और उसके आंसर्स को निकालिए। ठीक, तो फर्स्ट आएगा शी वियर्स एक्सपेंसिव ड्रेस एंड ज्वेलरी इट सीम्स शी बिलोंग्स टू एन एफ्लुएंट इज द राइट आंसर। फर्स्ट आंसर क्या आया? सेकेंड, एट प्रेजेंट पॉलिटिकल टर्मोइल डैश इन मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड द सेकेंड आंसर इज प्रीवियस। थर्ड, मिस्टर खाना एडमिटेड हिज मिस्टेक बाय राइटिंग अ लेटर ऑफ डैश टू हेड ऑफ द डिपार्टमेंट apology is a right answer. Then D, the director was quit dash while addressing his employees. Positive is a right answer. Then E, the result that you see today is a dash of years of hard work and dedication. Culmination is a right answer. Next, school children went for a week long that during their summer holidays. Then, expenditure is a right answer. So, you write this copy and fill up. Next.
वर्ड्स, हाउ मेनी वर्ड्स कैन यू मेक फ्रॉम द वर्ड्स गिवन बिलो। इसका अर्थ है कि ये बहुत सारे शब्दों को दिया गया है, इन शब्दों के आप कितने अर्थ बना सकते हैं। ये देखिए, पहला है इसमें वोकल। वोकल का अर्थ होता है लेबर। लेबर मतलब होता है श्रम। वोकल यानी अधिक बोलने वाला है। ये हो गया। अब इसमें इस वोकल शब्द से कितने शब्दों, ये जितने शब्द बने हैं ये बना सकते हैं, और लेकिन इनका अर्थ अलग अलग होता है। ठीक, तो फर्स्ट आता है इसमें वोकलाइज। वोकलाइज मतलब वोकलाइज यानी मतलब गायक। सेकेंड वर्ड वोकलिस्ट, गायकी। वोकेशन यानी होता है व्यवसाय। फोर्थ है वोकेटिव। वोकेटिव यानी वोकेशनल मतलब व्यवसायी। ये सारे शब्द हो गए। अब आता है लेबर। लेबर से बहुत सारे शब्द बना सकते हैं, लेकिन शब्दों का अर्थ भिन्न होता है। तो फर्स्ट आता है लेबोरियस, एल ए बी ओ यू आर आई यू एस। लेबोरियस का मतलब होता है व्यवसाय करना, व्यवसायिक। सेकेंड है एल ए बी ओ आर ए टी ओ आर, लेबोरेटरी यानी प्रयोगशाला होता है इसका मतलब। फिर है एल ए बी ओ आर आई ओ यू एस ई एस, एल ए बी ओ आर आई ओ यू एस आर, लेबोरेसरी मतलब परिश्रम। फिर है एल ए बी ओ यू आर ई आर, लेबरर। लेबरर मतलब पैरवी करने वाला। ठीक, ऐसे स्टूडेंट्स बहुत सारे जो शब्द हैं उनके अर्थ जो है अलग अलग होंगे, लेकिन उनके शब्दों को सेंटेंस बना सकते हैं। मैं स्पीच द सेंटेंस एज आई वाज गिवन बिलो टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस। वाक्य दिए गए हैं, उन वाक्यों को सही क्रम जो है और दोहरा बनाना है, और उसके अर्थों के हिसाब से उसको सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। ठीक, फर्स्ट है ही वाज फाउंड गिल्टी ऑफ ड्राइविंग। तो फर्स्ट का सही आंसर है व्हाइल ही हैज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल। ठीक, तो फर्स्ट का आएगा Five is the right answer. फिर है बी, आई गॉट अ पेन इन माई नी। बी का जो सही आंसर है when I walk up the stairs, मुझे चलने में दिक्कत होती है इसलिए मेरे पैरों में क्या है, दर्द है। Next, the boy started to cry. इसका सही उत्तर है when the mother left. बच्चा क्या किया, रो रहा था, रोना चालू किया क्योंकि मदर जो है वो चली गई। सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, रेडी वाज वॉकिंग अलोंग द फुट बम्प। सही आंसर है व्हेन शी ट्रिप्ड ओवर। व्हेन द लाइट्स वेंट आउट, थर्ड आई स्विच्ड ऑन द इमरजेंसी लाइट, दैट इज द सही आंसर। नेक्स्ट, You will see the river. सही आंसर इसका when you cross my house. So then I will. Four is the right answer. Homework है, read the workbook page number 111. Second, important for examination, third, read and write in notebook. Thank you so much.